चिलम में चारो धाम, एक चिलम में बाबा धाम, चार चिलम में चारो धाम, एक चिलम में बाबा धाम। हमारी मांगे पूरी करो राजा, मांग पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो राजा, मांग पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो राजा, मांग पूरी करो। 20 फीट का कावर आपको दिख रहा होगा, काफी भव्य कावर है। और ये जो कावर है ना, कोलकाता से आया है, वेस्ट बंगाल से आया हुआ है। पैदल चल के 20 लड़कों ने इसको लाया है, 20 बम ने लाया है। कांवर देख सकते हैं, 2 क्विंटल से ऊपर की है ये कांवर। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरे पीतल का कांवर है और ऐसा कांवर आपने तो कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे कुछ बम है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कांवर ये क्या कभी देखे हैं अपने लाइफ में। जैसे शौचालय है, थोड़ी बहुत वहाँ गंदगी हो जाती है, क्योंकि देखिए हम लोग जल लेके आते हैं तो रास्ते में थोड़ा वहाँ का क्या है ना, प्रशासन का भी थोड़ा गलती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ी प्रशासन की गलती ये है कि ये जो बम लोग जाते हैं ना, तो उनको प्यार से बात करें, नहीं तो कभी कभी अभी देखते हैं ना तो धक्का मार के, ओ बम जी इधर हटो, डंडा से मार के भगा। ये देखिए हम लोग पैदल अगर चल के आते तो हमारा पाँव दर्द करता है, शरीर दर्द करता है, तो आदमी थोड़ा सा सुस्ता रहा है, अगर बैठ के रास्ते में रुक गया तो आप उसको डांटिएगा नहीं। मेरा ये है, जो डाक बम चल के आ रहे हैं वहाँ से, दौड़ते हुए आ रहे हैं, 12 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे में आ रहे हैं, उनको जो है उसी लाइन में जाना पड़ रहा है। ये व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? 10 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 1 फीट की दूरी कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा, अगर कांवरिया पथ से आ रहे हैं तो। क्या जी, जी जी। और ऐसा कांवर आपने कभी देखा है क्या? नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं, इसीलिए तो देखने यहाँ तक चले आए, वहाँ से देख के यहाँ चले आए। हर हर महादेव। तो अभी हम मौजूद हैं देवघर में और आप देख सकते हैं कि शिव पार्वती गंगा पे अभी हैं। यहाँ पे एक 20 फीट का कांवर आपको दिख रहा होगा, काफी भव्य कांवर है। और ये जो कांवर है ना, कोलकाता से आया है, वेस्ट बंगाल से आया हुआ है। पैदल चल के 20 लड़कों ने इसको लाया है, 20 बम ने लाया है। कांवर देख सकते हैं, 2 क्विंटल से ऊपर की है ये कांवर। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरे पीतल का कांवर है और ऐसा कांवर आपने तो कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे कुछ बम है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कांवर ये क्या कभी देखे हैं अपने लाइफ में, या फिर कभी देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ देख सकते हैं कि पीतल का ये जो है काफी बड़ा है और 2 क्विंटल कोई कम नहीं होता है। 20 लड़के मिल करके उठा कर लाए हैं। हर हर बम बम, हर हर महादेव। कहाँ से आए बम जी? हम लोग यूपी आए, जौनपुर बदलापुर से। अच्छा, सुल्तानगढ़ से जल भरे हैं? हाँ जी, भरे। जल कहाँ है? अच्छा, बैग में रखे हैं। जल चढ़ा लिए हम लोग। जल चढ़ा लिए? हाँ जी, हाँ जी। कब जल चढ़ाए? कल ही चढ़ा लिए। हाँ जी। कितना टाइम पहले आप लगे थे लाइन में? अरे ज्यादा नहीं, कल हम लोगों को लगभग 8:30 बजे लगे थे, 12:30 बजे तक जल चढ़ा लिए थे। अच्छा, 8:30 बजे सुबह में लगे थे? जी जी। 12:30 बजे तक जल चढ़ गया? हाँ जी, हाँ जी। लगभग 4 घंटा लगा? 4 घंटा, 5 घंटे लगे। आज जो जल चढ़ा रहा है उसका कितना टाइम लग रहा है? आज तो ऐसा टाइम लग रहा है कि जैसे मानिए धरती पे स्वयं भोलेनाथ उतर आए हो, ये ऐसी नगरी आज हो गई है। अच्छा, और बताइए, और कुछ क्या बोलेंगे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, जो बम वीडियो देख रहे हैं उनको? अरे उनसे यही बोलेंगे कि जो भी लोग हैं, जो आस्थे में ऐसे बहुत लोग अभी नास्तिक लोग पड़े हुए धरती पे, जो बाबा को नहीं मानते हैं, वो एक बार बाबा के देवघर में आके देखें तो वो बाबा के प्रेमी हो जाएंगे। बम जी, अच्छा बम जी, आप हरिद्वार कभी गए हैं? नहीं, हरिद्वार तो हम नहीं गए, लेकिन बाकी और जगह गए हैं। अच्छा। सोमनाथ गए हैं और आपके द्वारिकापुरी गए हैं, बहुत जगह गए हैं। इसी बात अच्छा, हरिद्वार में भी इसी टाइप से भीड़ रहता है या फिर उससे ज़्यादा यहाँ भीड़ रहता है? नहीं, हरिद्वार में तो लगभग सिर्फ गंगा जी पे ही भीड़ रहता है। अच्छा, यहाँ तो आपको सुल्तानगंज से लेके देवघर तक भीड़ आपको नजर आएगी। 110 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 1 फीट की दूरी कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा, अगर कांवरिया पथ से आ रहे हैं तो। क्या जी सर? जी जी। और ऐसा कांवर आपने कभी देखा है क्या? नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं, इसीलिए तो देखने यहाँ तक चले आए, वहाँ से देख के यहाँ चले आए देखने। तो मैं कैमरा मैन से चाहूंगा थोड़ा फिर से आप कांवर दिखाइए। और ऐसा कांवर आपने कभी नहीं देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा है। 20 फीट का कांवर है और 2 क्विंटल का ये लोग बता रहे हैं कि 2 क्विंटल का नहीं, भारी वजन है। और अच्छा, और सबसे अच्छा ये कांवर बना के इन लोग लाए हैं। और ये लोग संदेश दे रहे हैं कि जो अपने भारत देश में युवा जो हैं, और जो अपने भारत देश में, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि जो कहते हैं कि बाबा या कोई भी भगवान में शक्ति नहीं होती है, लेकिन हम लोग मानते हैं जो बाबा के भक्त हैं वो, आप सुल्तानगंज से जो चल के देवघर आते हैं ना, वो जब तक आपके कंधे पे जल रहेगा ना, शक्ति ऑटोमेटिक आपके शरीर में रहेगी। तब मोटे मोटे छाले पड़ते हैं और पैर पांव फूल जाते हैं तो भी लोग 110 किलोमीटर चल के बाबा का नाम लेके आते हैं।
वो डाक बम तो 15 घंटे में 14 घंटे में आते हैं बम जी। कुछ बम से हमको बात हुआ है जो कि 15 घंटे 14 घंटे 12 घंटे 18 घंटे में यहाँ। अरे वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 14 14 15 15 घंटे ये घंटे जो ये पहुँचते ना, ये बाबा का जो सुल्तानगंज से जल उठाते ना, उस जल में ताकत है। और ये जो बोलबम का नारा है ना, उसमें वो बोलबम के नारे में ताकत है। अच्छा आप कितना दिन में आ गए थे सुल्तानगंज? हम लोग तो आज 4 दिन में आ गए थे। हम लोग आराम से चल के आए थे, झूठ क्यों बोले। हम लोग आराम से ही आते हैं, हर साल हम लोगों का टारगेट 5 दिन का रहता है, लेकिन इस बार हम लोग 4 ही दिन में बाबा धाम पहुंच गए। रास्ते का व्यवस्था आपको क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगता है हर जगह। बिहार सरकार के या फिर झारखंड सरकार के? नहीं, बिहार सरकार का तो मुझे बहुत कम व्यवस्था आपको सही बताया लगा। अच्छा क्या कम लगा, लगभग बताइए यदि वीडियो किसी के पास पहुंचता है। ये कम लगा, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, बीच बीच में साफ सफाई की व्यवस्था है, उनकी बहुत गड़बड़ है। निःशुल्क जो शिविर लगाए वहाँ पे थोड़ी बहुत हमें कमी लगी है। अच्छा लगभग क्या खाना पीना की व्यवस्था रहने की? खाना पीना की व्यवस्था तो मान लीजिए निःशुल्क में थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। जैसे शौचालय है, थोड़ी बहुत वहाँ गंदगी हो जाती है, क्योंकि देखिए हम लोग जल लेके आते हैं तो रास्ते में थोड़ा वहाँ का क्या है ना, प्रशासन का भी थोड़ा गलती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ी प्रशासन की गलती ये है कि ये जो बम लोग जाते हैं ना, तो उनको प्यार से बात करें, नहीं तो कभी कभी अभी देखते हैं ना तो धक्का मार के, ओ बम जी इधर हटो, डंडा से मार के भगा। ये देखिए हम लोग पैदल अगर चल के आते तो हमारा पांव दर्द करता है, शरीर दर्द करता है, तो आदमी थोड़ा सा सुस्ता रहा है, अगर बैठ के रास्ते में रुक गया तो आप उसको डांटिएगा नहीं। मेरा ये है क्योंकि भोले बाबा के नगरी में आए हैं यार, तो उनके ही कृपा से हम लोग आए हैं। आइए यहाँ पे एक बम है जो डाक बम चल के आ रहे हैं, वहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं, 12 घंटे 13 घंटे 18 घंटे 24 घंटे में आ रहे हैं, उनको जो है उसी लाइन में जाना पड़ रहा है, ये व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? ये व्यवस्था सही नहीं, उनको डायरेक्ट घुसा देना चाहिए। जो कि पहले और पिछले साल से जितना भी पहले बम आते थे वो उनकी लाइन अलग होती थी, मगर इस साल जो है एक तो हरासमेंट हो रहा है रास्ता का, उसके बाद वही लाइन में घुसा दे रहे हैं सब लोग को, उनको जाने में तकलीफ है। उनका 14 घंटे में आते हैं, टारगेट रहता है, पैर भी दर्द करने लगता है, चल भी नहीं पाते, उसे घुसा देते हैं, बहुत परेशानी होती है उनसे। 4 लोग एक डाक बम को वहाँ से टांग करके लाते हैं और उसको कैसे इस लाइन में ढुकाएंगे कोई, और कैसे जल चढ़ाएंगे, ये यहाँ की ना प्रशासन को समझ में आ रहा है और ना देवघर की कमेटी को समझ में आ रहा है। आपको सही बताएं, इस डाक बम के लिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ का प्रशासन, जो झारखंड का प्रशासन है, इस मामले में तो बहुत कमजोर है। हमने देखा है, मुझे हम लोगों को 2 दिन हो गया यहाँ पे रहते हुए, लेकिन आपको सही बताएं ना कि ये प्रशासन यहाँ का बहुत कमजोर है इस मामले में, क्योंकि डाक बम, देखिए डाक बम बेचारे सुल्तानगंज से चलते तो उनका पाँव, हम लोग तो मान लीजिए बैठ के चाय नाश्ता खाना भी सो भी जाते हैं रात में, वो बेचारे उनका पांव रुकता भी नहीं, वो पैदल भी चलते हैं, उनका पांव कदम रुकता नहीं है, खाते भी तो पांव ऐसे ऐसे वो खाते भी कहाँ, खाते भी है पानी और सिर्फ फलारी करके बेचारे चलते हैं 14 घंटा। खाते भी नहीं है कुछ नहीं, केला सेब रास्ते में मिल गया डाक बम सेवा वाले जो शिविर के है लोग, सब जगह अगर वो लोग आपको बता दे कि बिहार सरकार में भी इस समय हम लोग जो व्यवस्था देख रहे हैं वो कहीं भी ऐसी व्यवस्था भी नहीं किए हैं वो लोग डाक बम के लिए। हम लोग रात में भी चले हैं, 2 बजे 2:30 बजे तक रात में भी चले, हमने व्यवस्था नहीं देखा है उनका। बॉर्डर क्रॉस किए बिहार से झारखंड में आए, उसके बाद में व्यवस्था सब अच्छी लगी? यहाँ का व्यवस्था तो ठीक है, झारखंड घुसने के बाद हमें व्यवस्था अच्छा लगता है। और रोड का जो व्यवस्था है बिहार का और झारखंड का, इसमें ये बहुत फर्क है, लगभग लगभग क्या बहुत ज्यादा फर्क है आपको बता दें। बालू उधर नहीं गिरा है क्या? बालू गिरा है, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं, वो बालू गिरा के ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी है ना कि सफाई नहीं करते रोड पे, वहाँ पे पता चला किसी को काटा चुभ जा रहा है या कुछ गिरा है, तो वहाँ के जो झाड़ू वाले हैं सफाई रख के आप सफाई कर दो, कम से कम जो पैदल आ रहे हैं उनको पैर में दिक्कत ना हो ना, लेकिन तो भी हम लोग आराम से साइड होके निकल आते, क्या करें। और दूसरी चीज़ बिहार सरकार में ये है कि जहाँ जंगल पड़ती है रास्ते में कहीं कहीं, तो हमने देखा है कि वहाँ लाइट भी नहीं है। आप बताओ जो बेचारे रात में डाक बम चलते होंगे कैसे आपको बताओ दौड़ के आते होंगे, ये वहाँ पर कमी है इस समय हम बता रहे हैं। अब भाई आगे की व्यवस्था वो कर दे तो हमें नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यही है। तो इनका घर यूपी में है, ना ही इनका घर बिहार में है और ना ही घर इनका झारखंड में है। इन्होंने व्यवस्था देखा और उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार से भी गुहार किया और यहाँ के जो देवघर के कमेटी हैं उनसे भी गुहार किया कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो भी डाक बम आ रहे हैं
उनको ये व्यवस्था दी जाए, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रहा है। हालांकि हम लोग अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, यानी कि आम आदमी अगर मंदिर के कोई जा रहा है अंदर, तो उसको जाने में 3 से 4 घंटा लग रहा है, तो डाक बम की क्या हालत होती होगी आप खुद समझ सकते हैं। और आते हैं अगर देवघर या फिर वीडियो के माध्यम से भी देखते हैं तो आपको कैसा लगता है आप भी सोच सकते हैं। हालांकि कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर शंभु, नारा हो जाए। निकाल लाठी, जय दानी। निकाल लाठी, जय दानी। झारखंड की झाड़ी में बाबा बसे पहाड़ी में, झारखंड की झाड़ी में बाबा बसे पहाड़ी में। क्यों बसे हैं पत्थर में पार्वती के चक्कर में, क्यों बसे हैं पत्थर में पार्वती के चक्कर में। एक जमुनिया काली काली भोला बलावे हाली हाली, एक जमुनिया काली काली भोला बलावे हाली हाली। भोला बाबा जीरो है पार्वती के, जीरो है भोला बाबा, जीरो है पार्वती के, जीरो है। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा। चार चिलम में चारो धाम, एक चिलम में बाबा धाम। चार चिलम में चारो धाम, एक चिलम में बाबा धाम। हमारी मांगे पूरी करो राजा भांग पीली करो, हमारी मांगे पूरी करो राजा भांग पीली करो, हमारी मांगे पूरी करो राजा भांग पीली करो।